हम इस समय अमेठी के कलेक्ट्रेट में है, कलेक्ट्रेट में जहाँ पे कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की अध्यापिकाओं द्वारा जो अंशकालिक शिक्षक थी, सरकार की मंशा पर पलीता लगाते हुए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा इन्हें स्कूलों से निकाला गया। योगी सरकार ने दावे किए थे कि कोविड काल में किसी भी अंशकालिक या पूर्णकालिक किसी भी कर्मचारी को निकाला नहीं जाएगा, लेकिन आज ये अमेठी की शिक्षिकाएं प्रदर्शन करने पर मजबूर हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं क्या है पूरा प्रकरण। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सीमा मिश्रा है। सीमा जी, क्या मामला है, क्यों धरना दे रहे हैं? सर, हम लोगों की नियुक्ति 2008 में की गई थी, तो उस समय विषय की कोई बात नहीं थी। 2013 में एक जीओ आया जिसके अनुसार विषय निर्धारित कर दिए गए पूर्णकालिक और अंशकालिक के। तो अब वो उन्होंने पूर्णकालिक के लिए मुख्य विषय रखा, अंशकालिक के लिए गौड़ विषय रखा। तो अब जब गौड़ विषय उन्होंने अंशकालिक के लिए आज रखा है, तो आज हमको पूर्णकालिक कर दें, वो क्यों हमको बाहर किए कर रहे हैं? हम तो पूर्णकालिक होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके जितनी वार्डन थी और जितने पूर्णकालिक टीचर थे उनको तो एडजस्ट कर दिया कहीं ना कहीं, और हम लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग कहीं जगह खाली नहीं है आप लोगों के लिए। जबकि शुरू से, जब से हम लोगों की नियुक्ति हुई, जब से विद्यालय हमारा संचालित है, तब से हम मुख्य विषय पढ़ा रहे हैं। तो हमारा विषय तो नहीं बदल सकता, हमारा पद बदल सकता है। अगर हम ज़्यादा योग्यता रखते हैं तो हमको अच्छा पद दे दीजिए, आप पूर्णकालिक का पद दे दीजिए। लेकिन पूर्णकालिक में भी उसकी भी परिभाषा ये है कि शिक्षण कार्य उतनी ही देर होता है जितनी देर अंशकालिक का होता है, लेकिन स्कूल में शिक्षण कार्य ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन उसके बाद अंतर केवल ये है कि पूर्णकालिक वहाँ रुक जाते हैं और हम लोगों की छुट्टी हो जाती है, हम लोग घर चले आते हैं। तो अगर पूर्णकालिक हो जाएगा तो हम लोग भी वहीं रुक जाएंगे, उसमें दिक्कत क्या है? हम लोग पूरी योग्यता भी रखते हैं और ऐसे भी बहुत से पूर्णकालिक को उन्होंने एडजस्ट किया है। क्या कारण है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी आप लोगों का समायोजन नहीं कर रहा? अब सर ये तो वही बता सकते हैं कि क्या कारण है। हो सकता है वो कोई व्यक्तिगत लाभ के कारण उन्होंने ऐसा किया हो, जिसके कारण हमारा समायोजन नहीं कर पा रहे हों, लेकिन ये हम तो नहीं बता पाएंगे। हम तो उनको अपनी योग्यता बता रहे हैं कि हमारे पास पूरी योग्यता है। आपको बता दें, ये शिक्षिकाएं चार दिन से कलेक्ट्रेट गौरीगंज में धरना दे रही हैं, जबकि प्रशासन की ओर से अभी तक कोई बात करने नहीं आया। क्या कारण है कि आप लोगों से बात करने कोई नहीं आया, अभी तक आपकी बात तक नहीं सुनी प्रशासन ने? सर, जब वो कमी किए हैं तो उस कमी को अपने वो छुपा रहे हैं। वो हम आके हमसे बताएं ना कि हम लोग क्यों अयोग्य हो गए, अधिक क्यों हो गए। जब हमारी नियुक्ति हुई, जब हमारा नया विद्यालय खुला, तब जाके मेरा वहाँ पे नियुक्ति हुई मेरी पहले। अब जब मैं इतने सालों से वहाँ पर पढ़ा रही हूँ अपना विषय, मुख्य विषय की मैं अंशकालिक थी और दो लोग वहाँ पर जो है पूर्णकालिक थी और गौड़ विषय की थी। तो जब लोग पार्ट टाइम में वो लोग कन्वर्ट हो गए तो मैं अंशकालिक मुख्य विषय की थी, मुझे आपने क्यों कन्वर्ट नहीं किया? और मैं पूरी योग्यता रखती हूँ, पूरा मानकों को मैं पूर्ण करती हूँ। मेरा शुरू से लेकर हिंदी संस्कृत मेरा मैच करता है, मैं हिंदी से भी टेट पास हूँ, संस्कृत से भी टेट पास हूँ। यहाँ BSC महोदय द्वारा कहा गया कि योग्यता इतनी योग्य होती तो यहाँ ना आती। बताइए, अगर योग्यता ही तो देखी जाती है। पढ़े बेटियाँ बढ़े बेटियों का मिशन यही है कि आप एक अयोग्य टीचर को, योग्य टीचर को हटा कर अयोग्य टीचर को उसके स्थान पर रख देंगे, ये कहाँ कन्या। इस तरह आप देख सकते हैं, ये अंशकालिक शिक्षिकाएं कलेक्ट्रेट में चार दिनों से धरना दे रही हैं, इनका बेसिक शिक्षा विभाग नहीं सुन रहा है, यहाँ तक का जिला प्रशासन भी इनकी बातें नहीं सुन रही है। इनका आरोप है कि इनमें योग्यता थी, योग्यता के बाद भी इन्हें गलत तरीके से निकाला गया। जहाँ तक नारी शक्ति मिशन उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजना इस समय नारियों के प्रेरणा स्रोत किया जा रहा है, वहीं अमेठी के कलेक्ट्रेट में चार दिनों से नारियां धरने पर बैठी हैं, इनका जिला प्रशासन नहीं सुन रहा है। योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।